देखिए चेकिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे स्टील का पट्टी नापने के लिए, जिसके ऊपर पकड़ दिए और फिर उसमें जो हम लोगों ने जो डीप दी होती है, उस डीप पे हम लोग इस पर चेक करते हैं। इस तरह से चेक करना है कि हमारा डीप सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। दो तीन लोकेशन पे ये सेंटर में चेक कर रहे हैं स्टील के पट्टी से, उसके बाद ये एंड में भी चेक करेंगे। तो तीन जगह ये लोग चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारा बराबर है कि नहीं। इसे बेलचा कहते हैं। बेलचा दिखाओ भाई, बेलचा बेलचा दिखाओ, बेलचा बेलचा दिखाओ ना। ये बेलचा है, ये बेलचा रहता है प्रोडक्ट। इससे हम लोग उठा उठा के इस पर डालते हैं। यहाँ पे और एक रैक भी होता है जो कि हमारा लेवल मेंटेन करने के लिए होता है, जो कि ये आदमी ने यहाँ पकड़ा हुआ है। देख लीजिए यहाँ रैक। और ये डीजल का कैन है जो कि हम लोगों को डीजल लगाना पड़ता था कि ये चिपके ना। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, कम से कम 140 से 145 डिग्री का टेम्परेचर, लेइंग टेम्परेचर होना चाहिए मिनिमम। और उतना टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि ऊपर से भी गर्मी है और नीचे से भी गर्मी है। तो मोबाइल भी हीट हो रहा है और मोबाइल में सेंसर होने के वजह से ये मोबाइल ऑटोमेटिकली वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा नज़दीक जाऊंगा तो ये मेरा ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे गर्मी महसूस हो रही है मेरे हाथों पे, मेरे मोबाइल पे मोबाइल ऑलरेडी गर्म हो रहा है। तो आप यहाँ पे रोलिंग पैटर्न भी देख सकते हैं कि पहले प्लेन पास मारना है सब जगह पे, फिर यहाँ आगे ले जाते वक्त उसको एक प्लास मान लीजिए ये एरिया में आगे गया तो उससे पीछे यहाँ रोकना है, उसके पीछे यहाँ रोकना है, इसके पीछे यहाँ रोकना है, इस तरह से वो मारना है। फिर प्लेन पास मारने के बाद एक लो मारना है, फिर और एक लो मारना है, फिर एक हाई मारना है वाइब्रेटरी, और उसके बाद फिर एक प्लेन पास मारना है। जो भी यहाँ पे उसका पासेस होंगे कॉम्पैक्शन के लिए उतने मारने के बाद उसके ऊपर फिर पीटीआर चलता है। पीटीआर को भी मैं यहाँ पे दिखा दूँगा आपको। अब ये सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि ये पेग है, उसके ऊपर वायर हमने लगी हुई है, ये टैंडम रोलर रोलर मारा है। देखिए अब ये वाइब्रेटरी रोलर चालू किया है तो आपको उसके आवाज़ से ही समझ में आ जाएगा कि वो वाइब्रेटरी चला रहा है, लो चला रहा है या हाई चला रहा है, सारी चीज़ें। और उसके ऊपर स्प्रिंकलिंग वाटर भी होगा, देख सकते हो यहाँ पीछे से पूरा पानी गिर रहा है, उसका पूरे अंदर स्प्रिंकलिंग होता रहता है ड्रम के ऊपर और पूरा पानी मारते रहता था कि वो बिल्कुल एस्पल्ट को ना चिपके चिपके इस तरह से। और ये DBM का फर्स्ट लेयर है, इसमें दो लेयर DBM के और दो लेयर BC के डाले जाते हैं। ये रनवे का एस्पाल्ट है। अभी आप देख रहे हैं वार्निंग आ गया, सॉरी वार्निंग आ गया,